हेलो दोस्तों, तो काफ़ी इंतज़ार के बाद ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आपका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, तो जो भी नोटिफिकेशन की इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सभी मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूँ आपको, जो ऑनलाइन फॉर्म है ग्रुप डी के, वो 5 जून से शुरू होंगे, ठीक है। और जो लास्ट डेट है वो है 26 जून, ठीक है। काफ़ी कम टाइम दिया है, टाइम तो पहले भी दे चुके हैं HSSC, तो फिर भी काफ़ी लंबा टाइम है ये। तो 26 जून से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। सेकंड चीज़ क्या है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक होनी ज़रूरी है, ठीक है। मैट्रिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत, ठीक है। आपके पास मैट्रिक में हिंदी में या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। थर्ड चीज़ क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डाउट था कि जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया वो अपना फॉर्म को अमेंड कर सकते हैं, यानी उसमें सुधार कर सकते हैं। कोई भी अपडेशन आपने करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है तो आपको एज इट इज रखना वो फॉर्म। तो आपका जो पहले वाला फॉर्म है ना, वो ही अप्लाई किया हुआ माना जाएगा। यानी अगर आप कोई भी सुधार नहीं करना चाहते तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फोर्थ चीज़ क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी 13,536। ये टेनेटिव है, चेंज भी हो सकती है, जैसे बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। तो अब मान के चलो काफ़ी अच्छी संख्या है पोस्टों की। फिफ्थ चीज़ क्या है, EWS, ठीक है। आपका जो EWS का सर्टिफिकेट है वो तभी वैलिड होगा जब उस पर इनकम मेंशन होगी, ठीक है। आपका EWS सर्टिफिकेट पे इनकम मेंशन होना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो इनवैलिड होगा। जो फीस है ग्रुप डी फॉर्म के लिए वो 500 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 250 रुपये है। अगर आप फैमिली आईडी या आधार कार्ड का नंबर नहीं देते तो ये फीस आपको 1,000 रुपये लगेगी। आगे दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक्स, और जो आपका CET होगा ना वो 95 नंबर का होगा, ठीक है। 95% वेटेज आपका CET का स्कोर देखा जाएगा और 5% नंबर आपके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया होंगे, ठीक है। फिर आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस, ठीक है। देखो सिलेबस में कुछ सुधार किए इन्होंने। 15 नंबर की आपकी साइंस पूछी जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। ये 10वीं लेवल तक पूछी जाएगी। साइंस में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आगे क्या है, 15 नंबर की क्या आएगी, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। 10 नंबर की आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी। 15 नंबर का आपका क्वांट यानी जो मैथमेटिक्स पोर्शन है वो 15 नंबर का पूछा जाएगा। और 10 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, ठीक है। और 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, ठीक है। अगर आप टॉपिक वाइज ये सिलेबस देखना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में डाल दिया। उसमें अलग अलग सिलेबस मेंशन किया है कि हिंदी में क्या आएगा, हिंदी में अनेक शब्दों के लिए विलोम पर्यायवाची जो भी है, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा। तो ये डिटेल में अगर आपको सिलेबस देखना है तो मैंने ये पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और आपको ना ही फीस पे करने की ज़रूरत है अगर आपने पहले पे कर दी है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी सारी इंपॉर्टेंट बातें। हैव ए नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड।